Nugget Damage. मैं देवभूमि उत्तराखंड से योगेश। तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आ गए हूँ मैं अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज है कॉलेज का पहला दिन, छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी है तो जा रहा हूँ मैं कॉलेज को। तो आज अपने दोस्तों से मिलूँगा, कुछ दोस्त तो आएंगे कुछ नहीं आएंगे क्योंकि पहले दिन बहुत कम लोग आते हैं कॉलेज। तो देखता हूँ आज का दिन कैसा रहता है। तो जाते हैं कॉलेज को, अभी 10 बजने वाले हैं तो निकल जाता हूँ मैं कॉलेज को। आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरना है तो अब चलते हैं कॉलेज की ओर। तो अब निकलते हैं कॉलेज की ओर, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो कॉलेज में जाके मिलते हैं। तो ये है हमारी कॉलेज की रोड, शिवालिक वाली रोड। तो अभी मैं जा रहा हूँ कॉलेज की ओर, तो थोड़ी देर में पहुँच ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ सामने पे हमारा कॉलेज ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पर है डंपिंग ग्राउंड, यहाँ पर सारा कचरा कूड़ा ही आता है और सामने पर है हमारा कॉलेज। तो मैं कॉलेज पहुँचने वाला हूँ। मैंने कॉलेज में एंट्री कर ली है तो जाता हूँ आगे की ओर। ये यहाँ पर फार्मेसी वालों का कॉलेज है। दिल की धड़कन से जाना। तो ये है कॉलेज की पार्किंग, यहाँ पर पार्क कर ली है मैंने गाड़ी और ये है पार्किंग और यहाँ पर मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। तो अब जाता हूँ मैं कॉलेज की ओर। मौसम, बाकी मौसम देखिए आप कितना सुहाना हो रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत ख़राब होने वाला है क्योंकि आजकल बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है। पहाड़ों में बर्फ़ गिर रही है और चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है, ये देखिए। बाकी मैं अभी तो अकेला हूँ, बाकी दोस्त लोग चले गए हैं आगे, तो चलता हूँ मैं कॉलेज की ओर। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथों में जकड़न हो गई है क्योंकि स्कूटी चलाते समय हवा लग जाती है ना, इसलिए। तो चलता हूँ। तो पहुँचने वाला हूँ मैं अपने कॉलेज में। ये रहा हमारा कॉलेज, ये सेकंड ब्लॉक है और फर्स्ट ब्लॉक वहाँ पर है। तो जाता हूँ मैं यहाँ से, अकेला हूँ अभी तो। बाकी यहाँ पर फूल लगाए हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं फूल। ये खूबसूरत सा नज़ारा और धूप तो आ नहीं रखी, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, ये देखिए। और यहाँ पर हो रहा है एग्ज़ाम, यहाँ पर लेक्चर हॉल में हो रहा है एग्ज़ाम, यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। तो मैं तो चलता हूँ अपनी क्लास पे। ये पता नहीं क्या लगा रखा है, अगर किसी को पता है इसके बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो प्रवेश करता हूँ मैं अपने कॉलेज के क्लासरूम की ओर और यहाँ पर ऐसा कुछ है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। बाकी यहाँ पर चेंजिंग क्या आया है, 5 से 7 सितंबर फ्रेशर के लिए ये लगा रखा है। बाकी एक चीज़ चेंज हो गया है, यहाँ पर भी अब बैडमिंटन वो नेट लग चुका है, पहले यहाँ पर नहीं था बैडमिंटन नेट, दूसरे वाले ब्लॉक पे था सेकंड वाले, लेकिन अब यहाँ पर भी लग चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलता हूँ कॉलेज में क्लास की ओर। काफ़ी सूना सूना लग रहा है कॉलेज क्योंकि बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, अभी ठंडे के मौसम में बहुत कम बच्चे आते हैं और फर्स्ट ईयर वालों का तो एग्ज़ाम चल रहा है। फाइनली क्लास में पहुंच चुका हूं, ठंड बहुत ज़्यादा है, मोहित मिल चुके हैं हमें, हमारे पुराने नए दोस्त। हेलो भाई, कैसा है? बढ़िया यार। और अनिशान ठीक हो? यहाँ पर काम कर रहे दोनों,
क्या बना रहा है? अरे मैंने वेबसाइट बनाई थी। ऐसी वेबसाइट लुक एट दिस, दिखा जरा। तो मोहित अपनी वेबसाइट दिखा रहा है, ये देखिए मोहित की वेबसाइट। ये प्यारा सा नेविगेशन बार है, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे कट कर सकते हैं। और ये एक कैरोसेल है जो कि चेंज होता रहेगा पेज। और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख रखा है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया मैंने थोड़ा बहुत। और ये प्रोग्रेस है कि आप कि कौन सी चीज़ कंपनी में कहाँ से कहाँ जा रही है। थोड़ा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नाम का फॉर्म डाल रखा है, यहाँ पे आप कुछ कमेंट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो। यहाँ पे एक मैप होगा आपके जगह का, एड्रेस है उसका। और ये कुछ क्वेश्चन है जैसे जो हमारे यूज़र हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो। और ये मेरा अबाउट सेक्शन है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत लिखा रहेगा कंपनी के बारे में, और एक छोटा सा कॉन्टैक्ट, और लास्ट में कॉपीराइट क्लेम का एक फुटर। एक प्यारी सी एकदम फ्रंट एंड वेबसाइट है, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक कर सकते हो। एक प्यारी वेबसाइट बस। तो यहाँ पर वेबसाइट काफ़ी सुंदर बना रखी है, अगर आपको भी वेबसाइट बनानी है तो मोहित से संपर्क करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर डाल दूँगा। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वेबसाइट बना रखी है, ठंड में कौन बनाता है, फिर भी मोहित तो रजाई में बैठ के आराम से बना रहा है वेबसाइट। तो क्लास हुई नहीं अभी, बच्चे आए नहीं हैं, तो अभी मोहित और मैं आ रखे हैं ग्राउंड पे। यहाँ से कॉलेज का व्यू देख सकते हैं आप, ये हमारा कॉलेज है, और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। काफ़ी ठंड हो रही है तो थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं यहाँ पर बैठ के। और हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ले लिया है, ये है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो अभी इसे फिल करेंगे फिर सबमिट कर देंगे। बाकी एक चीज़ दिखाने वाला हूँ आज मैं आपको, तो इस पे था माइक वीडियो बनाने के लिए, ये है वो माइक। किस कंपनी का? JBL कंपनी का है। ये मोहित लाए हैं ब्लॉगिंग के लिए, और ये कितने का पड़ा है मोहित? ये लगभग आपको पड़ेगा 1000 रुपये तक का पड़ेगा, और सेल में अगर आप परचेस करते हो आपको 700-800 तक का पड़ जाएगा। ये 700-800 का पड़ जाएगा सेल पे, और ऑनलाइन मंगाओगे 1000 का पड़ जाएगा ये। तो ये है माइक, ये अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं आवाज़ कैसी आती है, आप बताना। ये दो पे सेट हो जाता है, पहला कैमरा पे भी सेट हो जाता है अगर आप DSLR कैमरे पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता है, और अगर आप स्मार्टफोन पे कर रहे हो तो आपको स्मार्टफोन पे रखना पड़ेगा। लेकिन जब कैमरे पे इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर एक्सटर्नल सेल है उसे लगाना पड़ेगा तब इस्तेमाल होगा। फिलहाल हम यहाँ पे स्मार्टफोन पे उसे रखेंगे सेट करके, और इसका मॉडल याद रखना CSLM20B। ये इसका JBL के माइक का जो ब्रांड नेम है या फिर जो उसका मॉडल है, ये आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अभी हम नॉर्मल बोल के देखेंगे, उसके बाद हम इस माइक से बोलेंगे, तो आप बताना कितना कितना डिफरेंस आने वाला है और क्या क्या आएगा, कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हम ग्राउंड पे बैठे हैं, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, और सामने का व्यू भी काफ़ी सुंदर है, और बाकी बादल लगे हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं वो नहीं, और यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे आ रहे हैं, और ये हॉस्टल है पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है। बाकी यहाँ पर क्रिकेटर बच्चे काफ़ी सुंदर, और ये दो स्टूडेंट आ रहे हैं क्योंकि इनका एग्ज़ाम चल रहा है, तो इन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे शोर शराबा ना हो, तो इस साइड आ रहे हैं ग्राउंड पे। तो अभी बज चुके हैं दिन के 12, और यहाँ पर देखिए काम चल रहा है बास्केटबॉल का, बास्केटबॉल फील्ड तैयार हो रहा है काफ़ी टाइम बाद। और यहाँ पर ये हमारा कॉलेज कितना शानदार दिख रहा है यहाँ से देख सकते हैं आप, और बाकी धूप काफ़ी तेज़ चमक रही है, और ऊपर देखिए चील कौवे उड़े जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने पर डंपिंग ग्राउंड भी है, यहाँ देहरादून का सारा कचरा वहीं पर आता है और वहाँ पर खाद बनाई जाती है। बाकी मोहित यहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी, तो यहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर देखिए विकेट जोड़ने की तैयारी चल रही है, और ये सामने हॉस्टल है, यहाँ पर आप हॉस्टल में भी रह सकते हैं, एडमिशन करवाइए कॉलेज में, और यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी है, और यहाँ सामने पर कैंटीन भी है, दो कैंटीन है, एक इस हॉस्टल के पीछे है और एक सामने पर वहाँ पर है कैंटीन वहाँ पर। बाकी अब थोड़ा आगे की ओर चलता हूँ, यहाँ पर ओपन जिम भी है, ओपन जिम दिखाता हूँ मैं आपको ओपन जिम की ओर, यहाँ पर है सस्ता मस्ता जिम, ओपन जिम, ये रहा ओपन जिम, यहाँ पर आप ओपन जिम कर सकते हो,
और ये है हमारे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, इनका एग्ज़ाम है आज, तैयारी कर रहे थे। तो दिखाता हूँ मैं क्या तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम है। कैसे हो और भाई, किस चीज़ का एग्ज़ाम है तुम्हारा? AI का भाई। अरे भाई भाई भाई, बेस्ट ऑफ लक भाई। क्या होता है मतलब पता है क्या होता है, लेकिन उसका सिलेबस नहीं पता क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे। कितने बजे से है तुम्हारा एग्ज़ाम? कितने बजे से? 1:30 बजे से। पाइथन से बनती है। अच्छा, सही है यार, AI का एग्ज़ाम है। AI ML हमारी तो नहीं थी यार, AI तुम्हारा सही है भाई। बीटेक में अभी हमारे में। तो मोहित जा रहे हैं ओपन जिम में अपना वजन उठाने। अब मोहित अपना वजन उठा रहे हैं, तो उठाइए, ये देखिए मोहित अपना वजन उठा रहे हैं। मोहित का वजन कितना किलो है? नहीं है 50 किलो? तू कह रहा नहीं 50? अच्छा, कैसे हो सकता है यार, 50 किलो है भाई। मेरा मेरा है 57। हमने मस्टर्ड की खेती लगा रखी थी, और पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था मैंने, यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे थे यहाँ पर पौधे। इस अब देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, और यहाँ पर सुंदर खिलते हुए फूल भी दिख रहे हैं इनके। देखिए ना, एग्रीकल्चर वालों ने काफ़ी सुंदर लगा रखे हैं पौधे, और यहाँ पर नाम भी लिख रखा है 2022-23 रवि की फसल, एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रायल। ये देखिए आप। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आए हैं हम यहाँ कॉलेज पे दोबारा। 1 महीना हो चुका है हमें, क्योंकि छुट्टी पड़ी थी हमारी कॉलेज की, और हमारे एग्ज़ाम भी काफ़ी ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम तो अच्छे से होने चाहिए, हमारे भी हो चुके हैं अच्छे से। तो देखते हैं रिज़ल्ट भी कैसा रहता है, अभी पता नहीं है फ़िलहाल। और आज हम आए हैं, मोहित, मैं और अलीशान आए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे आज। और ये है हमारा कॉलेज का रास्ता, एक रास्ता वहाँ से जाता है, एक रास्ता यहाँ से आता है, दो रास्ते हैं। वहाँ सामने पार्किंग एक वहाँ पर है, और एक पार्किंग यहाँ पर है, और सामने ग्राउंड है, और ये यहाँ पर लगा रखे हैं, ये बच्चों ने लगा रखे हैं यहाँ पर मस्टर्ड की खेती। और ये सामने हमारे दो डिपार्टमेंट यहाँ पर ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दो हैं। बाकी मौसम भी काफ़ी सुंदर हो रखा है, अभी बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की धूप चमक रही है, और ठंडा मौसम है काफ़ी, क्योंकि अब पहाड़ों में बर्फ़ गिरने वाली है, तो यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी कभी तेज़ धूप आ रही है, कभी कभी कम आ रही है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पर और देखते। तो दोस्तों, अभी हम फिर दोबारा आए हैं एक और नए ग्राउंड पे, यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। और पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप गजेंद्र विहार, काफ़ी सुंदर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी लोग। सामने देखिए पूरे पेड़ भी लगा रखे हैं, चारों ओर पेड़ लगा रखे हैं, और यहाँ पर भी अब तो झाड़ी झूड़ी जो थी वो काट के साफ़ कर दी गई है, काफ़ी सुंदर ग्राउंड बना रखा है यहाँ पर अभी। और यहाँ पर क्रिकेट मैच भी खेले थे, हमने भी खेले थे, क्योंकि इससे थोड़ा पहले मतलब एक महीने पहले यहाँ पर क्रिकेट मैच हुआ था। और धूप तो काफ़ी अच्छी हो रही है अभी, क्योंकि सुबह तो काफ़ी ठंड हो रही है, सुबह शाम को काफ़ी ठंड हो रही है, और अभी काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा है, और कोहरा भी लगा हुआ है लेकिन हल्का हल्का लगा है, धूप तो आ ही रही है। तो यहाँ का व्यू भी दिखा दिया है, यहाँ पर एक महीने में यहाँ पर काफ़ी चेंज आ रखा है, यहाँ पर झाड़ियाँ कट चुकी है और यहाँ नए नए पौधे आ चुके हैं, लग चुके हैं, हरा भरा हो चुका है, और ये झाड़ियाँ कट के काफ़ी साफ़ हो गया है ग्राउंड, और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अभी हम वहाँ पर जाके दिखाएंगे कैसा लग रखा है, कैसा हो रखा है। तो दोस्तों, यहाँ की सारी झाड़ियाँ कट चुकी है, और काफ़ी बढ़िया हो गया है यहाँ पर, और अभी कुछ दिनों बाद यहाँ पर हरी हरी घास आएगी, और ये ग्राउंड काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, काफ़ी सुंदर और खेलने लायक भी काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। चारों तरफ हरी हरी घास होगी तो ग्राउंड भी काफ़ी सुंदर दिखता है, और खेलने का मज़ा भी काफ़ी आता है। तो अभी आगे जाके दिखाऊँगा वहाँ पर सामने पर गजेंद्र विहार। तो आइए देखिए आप यहाँ का नज़ारा। गजेंद्र विहार देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है, और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, और यहाँ पर एक कितने मंजिल का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंजिल का है ये, नीचे लगा के 7 मंजिल है, और टॉप पर लगा रखे हैं एंटीना, जो नेटवर्क काफ़ी तेज आते हैं यहाँ पर, और नेटवर्क का तो एरिया ही है देहरादून, क्योंकि यहाँ पर हर जगह टावर लगे हुए हैं, और यहाँ पर 2 जनरेटर भी लगा रखे हैं यहाँ पर, जैसे लाइट जाएगी तो जनरेटर स्टार्ट करके बिजली दोबारा ला सकते हैं।
यहाँ पर काफ़ी सुविधा है। यहाँ पर एक गेट यहाँ बाहर पे लगा रखा है और इस पर काफ़ी सिक्योरिटी है, और अंदर भी है एक और गेट, वहाँ पर भी काफ़ी सिक्योरिटी है। और यहाँ पर जो ये गजेंद्र विहार है, यहाँ पर एक फ्लैट का है 11,000 रुपये, और यहाँ पर फैमिली मेंबर रहते हैं, उस पर टू रूम सेट है, और उस पर बस एक किचन हो गया और टॉयलेट बाथरूम एक हो गया बस। और यहाँ पर स्टूडेंट के लिए उतना अलाउड नहीं है, फैमिली के लिए ज़्यादा अलाउड है। लग रहा है हमारा कॉलेज यहाँ इस पिछले वाले ग्राउंड से दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये सामने हॉस्टल है और सामने हमारा कॉलेज है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको भी यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आ सकते हैं आप यहाँ, और इसका लिंक गूगल पे hzedu.in है, आप विज़िट कर सकते हैं। ये है बॉयज़ हॉस्टल और इसी के जस्ट पीछे की साइड है गर्ल्स हॉस्टल, और ये सामने वाला भी बड़ा है स्टाफ हॉस्टल, स्टाफ का हॉस्टल है। और यहाँ पर है पार्किंग, एक पार्किंग यहाँ पर है स्टाफों की, और उधर वाले है स्टूडेंट की पार्किंग जो मैंने पहले उस पर दिखाया था। और सुनील भाई कैसे हो, ठीक ठाक? काफ़ी दिनों बाद मिल रहे सुनील से, क्या हाल चाल है? सुनील से मिलकर अब शाम के 4 बज चुके हैं, अब जाते हैं घर की ओर। तो मैं पहुंच चुका हूं पार्किंग में, अब यहां से स्कूटी उठाते हैं फिर चलते हैं घर की ओर। आज तो काफ़ी लेट आया मैं कॉलेज से, 4 बज चुके हैं, अब 4:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं घर। और बाकी यह है हमारी पार्किंग, तो चलते हैं अब घर की ओर। तो मैं शिवालिक वाली रोड पे चले गया हूँ, यह है हिमगिरी का बोर्ड, और यहाँ से जाते हैं ISBD, और यह है नीचे हिमगिरी जाने के लिए रोड, शिवालिक जाने के लिए। तो मैं यहाँ से जाता हूँ सैलाकरी की ओर, तो चलते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं रूम पे, ठंड काफ़ी बहुत ज़्यादा हो रखी है ठंड। तो बाकी सेकंड वाले फ्लोर पर है हमारा रूम, तो मैं पहुंच चुका हूं रूम पे, और अब मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, ड्रेस चेंज कर ली है कॉलेज की, और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। मैंने एक स्वेटर जैकेट भी डाल ली है क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करिए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।